अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप नेशन बिल्डर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वान कनाल विक्टोरियन डिज़ाइनर हाउस है। 50x90 फीट इस घर की डायमेंशन है। 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। 50 फीट वाइड रोड पे मेन बुलेवार्ड की ये घर बिल्कुल करीब लोकेटेड है। आप इसका एलिवेशन देख रहे हैं, इसमें आपको मोल्डिंग का डिज़ाइन मिलता है। स्पॉट लाइट दी गई हैं। फ्रंट पर आपको जॉर्जियन डिज़ाइन की विंडो नज़र आ रही है। मिड में बड़ा डिसेंट और बड़ा खूबसूरत ये पोडियम डिज़ाइन किया गया है। लेफ़्ट और राइट साइड पे फ्रंट एलिवेशन पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। 50x90 फीट इस घर की डायमेंशन है। 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। और ये देखें जी, ये इसका एक्सटर्नल गार्डन आप देख रहे हैं। इसमें अमेरिकन ग्रास लगाया गया है। स्टोन पीसेस के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। वॉल के साथ आपको स्पेरल प्लांटर नज़र आ रहे हैं। और इसकी वॉल पे ग्राफी की गई है। मोल्डिंग का भी आपको डिसेंट डिज़ाइन मिलता है। और इस साइड पे देखें जी, तो ये इसका कार रैंप है। कार रैंप और गैराज में आपको सेम टाइल फ्लोरिंग मिलती है। और ये देखें जी, रॉट आयरन का इसका ये मेन गेट है, जिसमें आपको गोल्ड लीफिंग का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। एंट्रेंस स्टेप पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। और सामने ये गैराज आप देख रहे हैं, इसमें आपको 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस ईजीली मिल जाती है। इस साइड पे वॉल पे इटालियन मार्बल लगाया गया है। 5.5 फीट की पैसेज इस वॉल घर के तीनों साइड पे दी गई है। और पीछे बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर और 1 स्टोर दिया गया है, जबकि सर्वेंट बाथ भी आपको बेसमेंट में मिलता है। सीलिंग आप देख रहे हैं, और सामने की वॉल में आपको मोजैक मोल्डिंग का पैटर्न मिलता है। वॉल पर इटालियन मार्बल लगाया गया है। और इस साइड पर देखें, ये इसका इंटरनल गार्डन है। वॉल पे ग्राफी के साथ मोल्डिंग का डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ भी स्पेरल प्लांटर लगाए गए हैं। और ये बड़ी डिसेंट ग्रीन बेल्ट। सामने इस साइड पे भी देखें तो पूरी वॉल में टॉप तक आपको मोल्डिंग और ट्रेवर्टाइन मार्बल मिलता है। और सेम पैटर्न पे इस साइड से भी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। एंट्रेंस स्टेप आप देख रहे हैं, तो ये ग्रेनाइट दिया गया है। ये इसका मेन डोर दिया गया है सॉलिड स्टील का, जिसमें आपको गोल्ड लीफिंग का डिज़ाइन मिलता है। ग्लास यूज़ किया गया है। 10 फुट हाइट तक ये डोर दिया गया है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस, ये डबल हाइट लॉबी मेड में ब्रेक दिया गया है। इसके नीचे आपको एलईडी लाइट, और ये देखें जी सॉलिड वुडन यूज़ की गई है मेड में। ये बिल्कुल सामने स्टेयर्स दी गई हैं। राइट साइड पर यह किचन दिया गया है, और इंटर होते ही यहाँ पर ये पाउडर रूम मिलता है। और सामने टीवी लॉन्च दिया गया है। बैक साइड पे 2 बेडरूम दिए गए, और इस साइड पे ड्राइंग और डाइनिंग रूम बिल्कुल सेपरेट कर दिए गए हैं। ये देखें जी, आपको यहाँ पे बड़ी डिसेंट गोल्ड लिफिंग में ये लाइट्स मिल जाती हैं। और डबल हाइट लॉबी में ये सामने शैंडलियर नज़र आ रहा है। मेड में ब्रेक दिया गया है। घर में इंटर होते ही राइट साइड पर ये पाउडर रूम दिया गया है। वैनिटी ग्रेनाइट की बनाई गई है। मिरर दिया गया है, और काफ़ी खुली स्पेस दी गई है इस पर। ये साइड पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, और ग्रे पर मार्बल के साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई है। और ये देखें जी, सामने ये ड्राइंग रूम दिया गया है। सॉलिड वुडन के डोर दिए गए हैं। मेड में आर्टिस्टिक ग्लास दिया गया है। ये ड्राइंग रूम का एरिया, इसकी वॉल में देखें तो मोल्डिंग और 3D वॉलपेपर यूज़ किया गया है। जॉर्जियन डिज़ाइन की ये विंडो, सामने गार्डन का व्यू आप देख रहे हैं। सीलिंग विक्टोरियन पैटर्न पे डिज़ाइन की गई है, और मेड में ये क्रिस्टल और ब्रास का ये शैंडलियर आप देख रहे हैं। और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे एसी वॉलपेपर और मोल्डिंग, और सामने ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ भी एसी इंस्टॉल मिलता है। बड़ा खूबसूरत ये आप शैंडलियर देख रहे हैं। और सामने ये वॉल डिज़ाइन की गई है वुडन के साथ, और मेड में डोर दिया गया। आप टीवी लॉन्ज में एक्सेस कर सकते हैं। और लॉबी में दूसरी तरफ ये किचन दिया गया है, SMC ब्रांड का इटालियन किचन। ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है। बॉटम और टॉप में आपको सेम स्टोरेज स्पेस मिलती है। ये बर्नर दिया गया है, और इस साइड पे सामने विंडो दी गई है। यहाँ पर ये सिंक दिया गया है। इस वॉल में आपको एसेसरीज और इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज मिलता है। और ये देखें जी, ये इसका शेफ किचन, इसमें सारी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं। अब चलते हैं जी इस घर का टीवी लाउंज और बेडरूम देखते हैं। सामने ये डाइनिंग रूम दिया गया है, और ये टीवी लाउंज आप देख रहे हैं। इसमें आपको सेम पूरे घर में आपको एक ही कलर में स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग मिलती है। वॉल पे मोल्डिंग के साथ इम्पोर्टेड वॉल पेपर लगाए गए हैं। सामने ये
इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, बॉटम स्टोरेज स्पेस, मिड में वुडन क्लैडिंग, वॉलपेपर और मोल्डिंग, और यहाँ पे स्मार्ट टीवी इंस्टॉल किया गया है। इस साइड पे विंडो, पीछे इटालियन मार्बल लगाया गया है। यहाँ सीलिंग में आपको एसी नज़र आ रहा है, और ये देखिए जी क्रिस्टल और ब्रास का शैंडलियर यहाँ भी इंस्टॉल किया गया है। सामने किड्स बेडरूम दिया गया है, और ये मास्टर बेडरूम वुडन फ्लोरिंग की गई है, काफ़ी खुले साइज़ का बेड। ये आप इसकी वॉल देखें तो इसमें मोल्डिंग के साथ वॉलपेपर का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। सामने इसकी बेड वॉल एसी, और सीलिंग में स्मोक डिटेक्टर आपको पूरे घर में इंस्टॉल मिलते हैं। विक्टोरियन पैटर्न पे सीलिंग दी गई है। सामने सिंपल डिसेंट इसकी मीडिया वॉल, और ये इस साइड पे आपको विंडो नज़र आ रही है। ये जी इसका अटैच बाथरूम, दरवाजे के साथ दोनों साइड पे आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। वॉल माउंटेड कमोड, सामने जकूजी दी गई है, इस साइड पे शावर कैबन, और ये देखें ये मिरर दिया गया है। ग्रेनाइट के फ्लोटिंग टॉप पे ये वैनिटी दी गई है। और अब व्यूअर चलते हैं, मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा दूँ। इसके बिल्कुल साथ ही ये किड्स बेडरूम, इसमें भी सेम टाइल आपको नज़र आ रही है। सामने ये विंडो दी गई है, एसी, पीछे वॉल में इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। ये इसकी बेड वॉल आपको नज़र आ रही है, और सामने की वॉल डोर और मीडिया वॉल सिंपल डिसेंट डिज़ाइन की गई है। ये जी इसका अटैच बाथरूम आप देख रहे हैं। इस साइड पे वॉल माउंटेड कमोड, वॉल में आपको डार्क कलर की थीम में ये टाइल नज़र आ रही है। सामने विंडो दी गई है, शावर एरिया, ग्रोही की एसेसरी, टॉप में रेन हेड शावर, सीलिंग, सामने मिरर दिया गया है, फ्लोटिंग टॉप पे वैनिटी, और सामने की वॉल में आपको पूरी वॉल में वार्डरोब नज़र आ रही है। व्यूअर, ये वन कनाल विक्टोरिया डिज़ाइनर हाउस है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो बेडरूम मिलते हैं। और अब चलते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, जिसपे आपको तीन बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है। ये स्टेयर्स दी गई हैं, जिनमें ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। इस साइड पे देखें तो आपको रॉट आयरन की ये रेलिंग मिलती है। मिड में ये ब्रिज दिया गया है, यहाँ से ये घर आपको टू पार्ट में डिवाइड मिलता है। ये सामने ब्रिज, और यहाँ देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत ये डोम नज़र आ रहा है, जिसमें बड़ी खूबसूरत ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है, और ये क्रिस्टल का शैंडलियर। सामने मेन डोर दिया गया है। व्यूअर, एक बेडरूम फ्रंट पे आपको यहाँ पे मिलता है, ये थर्ड बेडरूम। इस साइड पे ये फोर्थ बेडरूम दिया गया है, और यहाँ पे सेंट्रल टेरेस दिया गया है। ये सामने देखें जी तो टी वी लॉन्च बेडरूम, इस साइड पर ये लॉन्ड्री की स्पेस दी गई है, और लास्ट बेडरूम बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं जी फ्रंट साइड पे, ये थर्ड बेडरूम दिया गया है, इसमें भी आपको सेम टाइल फ्लोरिंग मिलती है। सामने ये इसकी बेड वॉल आप देख रहे हैं, ये लाइट एसी, और ये देखिए सीलिंग का डिज़ाइन। सामने ये इसकी मीडिया वॉल दी गई है। फ्रंट पे आपको डबल विंडो, बैल्कनी और रेलिंग नज़र आ रही है। और इस साइड पर देखें ट्रेवर्टाइन मार्बल के फ्लोटिंग टॉप पे ये वैनिटी दी गई है। सामने ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, इस साइड पर ये विंडो दी गई है। सीलिंग में आपको एग्जॉस्ट फैन मिलता है, और इस साइड पे टॉप में रेन हेड शावर, सामने ग्रोही की एसेसरी, ये शावर एरिया, दरवाजे के साथ आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। व्यूअर, ये इस घर का थर्ड बेडरूम है, और अब चलते हैं मैं आपको इस घर का फोर्थ बेडरूम दिखा दूं। ये भी फ्रंट एलिवेशन साइड पे दिया गया है, इसमें भी सेम आपको ये फ्लोरिंग मिलती है। सामने आप वॉल देखें तो ये इसकी बेड वॉल सेम पैटर्न पर डिज़ाइन की गई है, और इस साइड पे ये इसकी ये मीडिया वॉल दी गई है। ये जी इसका बाथरूम आप देख रहे हैं, फ्लोटिंग टॉप पे वैनिटी, पीछे बैकलाइट के साथ मिरर दिया गया है। इस साइड पे देखें जी वॉल माउंटेड कमोड, जकूजी दी गई है, सामने ये विंडो दी गई है, और ये शावर कैबन, ग्रोही की एसेसरीज, टॉप में देखिए रेन हेड शावर दिया गया है, इस साइड पर एग्जॉस्ट फैन, डिसेंट सीलिंग, और सामने आपको ये वार्डरोब नज़र आ रही है पूरी वॉल में। व्यूअर, ये इस घर का फोर्थ ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। और अब चलते हैं, मैं आपको टीवी लाउंज दिखा दूं। उससे पहले सेंट्रल टेरेस आप देख रहे हैं, काफ़ी खुली स्पेस है। ये जी सामने टीवी लाउंज दिया गया है, आपको पूरे घर में एक ही तरह की स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग मिलती है। और ये इसकी वॉल देखें, मोल्डिंग वॉलपेपर यूज़ किया गया है। यहाँ देखें लॉन्ड्री के लिए स्पेस डिज़ाइन की गई है, इस साइड में वॉल में मोल्डिंग वॉलपेपर, एसी आपको नज़र आ रहा है। सीलिंग विक्टोरियन पैटर्न पे डिज़ाइन की गई है, और बैक साइड पे यहाँ भी एक बैल्कनी दी गई है। और यहाँ देखें जी तो ये इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, सामने ये किचनेट दी गई है। और इसके साथ ही ये इस घर का लास्ट ये फिफ्थ बेडरूम, सामने ये इसकी
वॉल देखें, वॉल पेपर और मोल्डिंग, इस साइड पे एसी दिया गया है, ये इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर मोल्डिंग। और यहाँ देखें जी, तो ये बड़ी डिसेंट आपको लाइट नज़र आ रही है। सीलिंग में विक्टोरियन पैटर्न पे डिज़ाइनिंग की गई है। और इस साइड पे देखें तो ये सेंट्रल टेरेस में विंडोज़ नज़र आ रही हैं। और ये जी इसका अटैच बाथ है, इसमें आपको बड़ी डिसेंट टाइल नज़र आ रही है। फ्लोटिंग ग्रे नाइट के टॉप पे ये वैनिटी दी गई है, सामने वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। इस साइड पे ये ओपन शावर स्पेस दी गई है, ग्रोही की एक्सेसरीज, टॉप में देखें रेन हेड शावर दिया गया है। सीलिंग में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन नज़र आ रहा है। और यहाँ देखें तो बड़ी आर्टिस्टिक ये टाइल नज़र आ रही है, बैकलाइट के साथ मिरर दिया गया है। और ये पूरी वॉल में टॉप तक आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। व्यूअर, ये वन कनाल विक्टोरियन डिज़ाइनर हाउस है, इस घर की डिमांड जस्ट 10 करोड़ 90 लाख है। और ये घर फेस 7 मैकडोनल्ड के बिल्कुल करीब है। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।